कार बहिष्कार पर अड़ी 242 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा खत्म। बाल विकास परियोजना अधिकारी ने जारी किए आदेश। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किए हैं। पीएम मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय पोषण मिशन का कार्य हो रहा है प्रभावित। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। तो जो 242 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी उनके जो सेवा है उसको खत्म कर दिया गया है। ये लोग कार्य बहिष्कार पर अड़ी हुई थी और इनकी सेवा को अब खत्म कर दिया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही है और कहा है कि इनका जो सेवाएं हैं वो समाप्त हो चुकी है। पीएम मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय पोषण मिशन का कार्य हो रहा था, कार्य बहिष्कार पर ये 242 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अड़ी हुई थी, अब इनका जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि इनकी सेवाएं अब समाप्त हो गई हैं। वहीं उन्होंने अपने बात में ये भी कहा है कि ये हाईकोर्ट का आदेश है। उन्होंने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए पूरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो आंगनबाड़ी की सदस्य हैं, 242 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके सेवा को समाप्त किया जाता है। ये हाईकोर्ट के आदेश पर फैसला लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 242 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो सेवा का जो कार्यकाल है उसको समाप्त कर दिया है। वहीं ये जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताएं थी ये कार बहिष्कार पर अड़ी हुई थी। ये अपनी मांगों को लेकर लगातार कार बहिष्कार कर रही थी। ये कह रही थी इनका जो मांगे हैं वो पूरी। तो हमारे संवाददाता पंकज पवार ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी बात पर, पूरे खबर पर विस्तृत जानकारी साथ। तो पंकज, पूरा मामला क्या है, कैसे 242 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा को ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, अगर कहा जाए तो पिछले कई दिनों से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके तहत प्रशासन और जो भी जो बाल महिला और बाल विकास विभाग है उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए थे इन तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कि भाई आप अपने काम पर लौटे वरना आपकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। तो तमाम कहने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ठग से मस्त नहीं हुई, तो उसके बाद अब शासन की शक्ति दिखने लगी है और लगभग 242 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आज बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनके आदेश जारी हो गए हैं। इसके अलावा भी अन्य जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं जो अभी भी हड़ताल पर है उन पर भी गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है अगर जो अपना काम पे नहीं लौटेंगी। हालांकि पिथौरागढ़, इसके अलावा अन्य कई जिलों में, हरिद्वार, जो वहां पर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां वापस आ चुकी हैं अपने काम पे, लेकिन अगर जो जो अभी भी बची हुई हैं जो हड़ताल कर रही हैं तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई आगे भी हो सकती है। जी जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।